रतलाम के ओसवाल नगर में शराब के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं आरोपियों ने मृतक के बेटे पर भी चाकू से वार किए, जिससे वो भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम के डीडी नगर पुलिस थाना प्रभारी अशोक कुमार ननामा के अनुसार चाकूबाजी में ओसवाल नगर निवासी प्रदीप पिता गोवर्धन राठौड़ 45 वर्ष की उम्र अस्पताल में मौत हो गई। प्रदीप राठौर ऑटो डील का व्यवसाय करते हैं और ओसवाल नगर में रहते थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मंगलवार की रात ओसवाल नगर निवासी गोलू मृतक प्रदीप का पुत्र शिवम और काना घर के पास स्थित मंदिर पर रात का खाना खाने के बाद बैठे हुए थे। इसी दौरान उधर से धवल शर्मा और उसके साथी बाइक से आए और विवाद कर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार चाकू से प्रदीप राठौर को घायल करने के बाद आरोपी धवल स्वयं भी घायल होकर जिला अस्पताल पहुंच गया था, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये आज दिनांक को अभी रात के लगभग 9:45 के लगभग थाना डीडी नगर क्षेत्र के अंतर्गत जो ओसवाल नगर है, यहाँ पे एक चाकूबाजी की घटना हुई। इसमें जो चक्षुदर्शी उन्होंने बताया, एक हैप्पी शर्मा, सॉरी ये धवल शर्मा नाम का व्यक्ति है और उसका भाई हैप्पी शर्मा, इन्होंने शराब पीने की बात को लेकर और शराब के पैसे मांगने की बात को लेकर एक प्रदीप राठौर नाम के व्यक्ति है उनके साथ चाकूबाजी की, जिसमें प्रदीप राठौर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है अभी, और उनका जो बेटा है शिवम जिसने बीच बचाव किया था उसको भी चोटें लगी हैं। हत्या की मूल वजह ये है कि ये शराब पीने का आदि बता रहे हैं, जो कि अभी प्रथम दृष्टया उसने पैसे मांगे और इसी बात पे विवाद बढ़ा, जिसमें धवल शर्मा और हैप्पी शर्मा और उनके साथ भी उनके 6-7 और सहयोगियों का नाम इन्होंने बताया है, जिनकी तलाश अभी कर रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी जो राउंड अप हो चुका है, बाकी सबकी तलाश कर रहे हैं। वो आरोपी क्या आया था सर, ने आके ने माथा फोड़ी करने लग गया, माथा फोड़ी करके ने वापस घर गया। वो ने वापस उधर से आया, दारू ज़्यादा पी रखी थी उनने, आया तो उसने फ़ोन ऑन कर दिया, 8-10 छोरे वो लेके आया उधर से, चाकू वाकू सब लेके दौड़ के आए। हम पास में ऐसे ही खड़े हुए थे, ने आके ने ऊपर भिड़ गए, हम छुड़ाने में लगे हुए, हमारे ऊपर भी चाकू लेके आए वो लोग, बाकी हम उनको संभाल रहे। प्रदीप भैया को चाकू लग गए तो उनको हम संभालने लग गए, तो ऐसे ऊपर हमारे पड़ गए कि बस कभी नहीं क्या। फिर उनके खून ज़्यादा बह रहा था तो एक रुपट्टा ले गए मैंने मिसेज का ही, ने उनकी जांग वांग ने ये सब बांधा बांधी करके ने अस्पताल लेके आए पहले उनको। मेरे वहीं पे रहते हैं, मकान नंबर 306 है उनका, मेरा 5 है। अरे हम तो बाहर खाना खा के बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे सर हम, और वो दारू पी के ना पूरे मोहल्ले में 2-3 बार ऐसा पहले भी हो चुका है। नहीं हमारे यहाँ नहीं हुआ, लोगों से कभी भी हमारे ऐसे नहीं हुआ, वो दूसरों से करता रहता, झगड़ा करता आया दिन, दूसरे से आए दिन झगड़ा करता रहता। अच्छा कितने लोग आए थे ये लोग, कितने? ये कुछ भी 5-7 जने थे सर, सभी के हाथ में हथियार थे, सबके हाथ में हथियार थे सर। हम वो स्कूटी पे लेके आए, ये गाड़ी पूरी खुनम जार हो रही है, ये गाड़ी यहीं पे पड़ी हुई है, और करीब करीब आधी बाल्टी खून उनका निकल गया है, पेशाब की जगह चाकू लगा है, जांग पूरी फट गई है, पैर यहाँ पैर में भी पूरा घायल हो गया, एक चाकू यहाँ लगा, एक चाकू यहाँ लगा। फिलहाल देर रात हुए चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी से अन्य साथियों की पूछताछ करने में जुट गई है। रतलाम से आमिन हुसैन की रिपोर्ट।